राम राम भाइयों, मैं राधेश्याम गुदारा रानी विक्रमबाई तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरे आने का मकसद यही है कि आप लोगों ने ये जो काम शुरू किया है, क्या यह काम करने लायक है? हमारे जाट भाइयों ने, एक मैं भी जाट होने के नाते बोलना चाहता हूँ कि जाट भाइयों ने जो शुरू किया है, इससे क्या मिल रहा है आप लोगों को? आरक्षण, आरक्षण नाम ऐसा है, आरक्षण लेने से क्या आप वो चीज मिल जाएगा आपको जो चाहते हो? जून से बाढ़ के जून से रोड़ा कर ला रहे हैं, चीजें फूकन ला रहे हैं शहर में, पूरे देश में, हरियाणा में, क्या मिल रहा किसते जो बाढ़ के कर ला रहे हैं? क्या आरक्षण मिलने उन्हें जो मिल जाएगी कर लेंगे, जो लायक है इस चीज के करने के? आप लोगों भाइयों से विनती है कि ये सब कर ला रहे हो, ये सब फूकन ला रहे हो, पूरे देश को नुकसान कर ला रहे हो। किसका नुकसान है ये? आपका, हमारा। और जो लोग इस देश का खातर टैक्स देने ला रहे हैं, जो नौकरी करने ला रहे हैं, ये सारा पैसा उन्हीं की जो टैक्स मनी है उसी से बढ़ा जाएगा। सब नुकसान देश का ही है, थारा नुकसान है, किसी नेता का कोई नुकसान नहीं है। ये सारे सब नेता क्या कर, सबकी राजनीति है। बीजेपी और कांग्रेस ने बताने ला रही है इसके जिम्मेवार, कांग्रेस बीजेपी ने कहना ला रही है, इन्हें लोग ये सारे अपनी रोटी से कहना रहे हैं, किसी का कोई फायदा आज तक ना होया ना होगा किसी से। सब आपस में लड़न ला रहे हैं, जो हमारा देश है उसका क्या हाल उठेगा? जो सोचो बाहर वाले देश है, अंग्रेजा ने देश हमारे देश पर राज किया, मुगलों ने राज किया, क्यों राज किया? क्यों उन्हें बेरा था? सारे मूर्ख बैठे हैं भारत में, आपस में लड़ा दें, जीत जाएंगे। अंग्रेजा के बेरा ने उसका क्या नाम था, उसने बात कही थी कि जाट जितना मुश्किल है इस देश में, जो जाट है इस देश को राज करना मुश्किल है, मुश्किल के नामुमकिन है। और उनका एक ही तरीका था राज करने का, उन्हें बोला जाटा लड़ा दो, इस देश पर आराम से बैठे राज करो, किसी दिन जाट एक नहीं होंगे जो मर्जी करे देश का। किसी ने एक कभी ने बोली थी बात कि हमारा देश ने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं करा, किसी पर हमला नहीं करा, हमला कड़े करेंगे, जोर वक्त हमला करेंगे, नहीं पहले आपसी लड़ाई सुलटाएंगे तब हमला करेंगे। भाइयों, अनेकता में एकता नाम की एक चीज बोली थी किसी ने, एक हो जब इस देश का भला होगा। हमारे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, थाने मतलब बेरा भी इसका मतलब की है। जवान और किसान एक ऐसी दो चीज हैं जो इस देश का आधार थे, हैं और रहेंगे। आज चीजें बदल गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, मानना उस बात ने, पर किसान है जो अन्न पैदा करा है उसने हम रोटी खावा पीछे खा के जी नहीं सकते आप। और एक जवान है जो हमारे देश की रक्षा करे, जो जवान नहीं होगा तो थारे घर हो गए, ये हो गए, दूसरा देश पर आक्रमण कराएगा, घर में छिप के बैठ जाओगे, बाहर नहीं आओगे तो पता नहीं घर में भीतर घुस घुस के मारेंगे। तो हम लड़ सको उनसे, कौन लड़ेगा? एक जवान। और जून सर एक भाई मारा गया है इस पुलिस फायरिंग में, उन्हें शहीद बोलना चाहो, शहीद कौन हुआ? शहीद सिर्फ एक चीज को मिलता है, जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है वो शहीद कहलाता है। जून सर बालक मरे वो देश की रक्षा करा था, नुकसान करा था देश की वो। और जून से जेएनयू में रोड़ा करे इन्होंने, अफजल गुरु हो गए जो जिन्होंने थे, मैं इन्हीं ने कहते मुसलमान गलत हैं, पर जो कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाह हैं, उन्हें इस देश से निकाल के बाहर करो, पहचानो उन लोगों को। और भाइयों, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके कहने दे सारा रोड़ा होने ला रहे हैं, वो कुछ बाढ़ का जो सिर्फ स्वाद लेने का खतरा ला रहे हैं, गाड़ियां फूकन ला रहे हैं, किसी के घर तोड़न ला रहे हैं, किसी घर का सीधा सीधा सुनने ला गया, अरे घर तो बड़ा सुथरा है तोड़ देने, सारे स्वाद लेने ला रहे हैं। अरे हम अपना नुकसान करने ला रहे हो, जागो, कुछ सोचो इस बात में। और क्या बोलना चाहते मैं, जे किसी मकल है कुछ सोचेगा मेरा भाई, तो प्लीज सोचो, अजय इतना भी नहीं सोच सकते तो थार में चार पेर जानवर में क्या फर्क रह गया है? जोड़ तो भाई हांडा तो उसमें गणा हुआ हाथी में भी, पर कीड़े उन्हें मार दे इस अंगा का क्या फायदा? इस जोर ने यूज करो, डंकी जगह चढ़ यूज करना चाहिए, देश की रक्षा खतर यूज करो। मन बेरा है जाटा की, जाट रेजिमेंट है, एक बहुत अहम योगदान है उसका देश की रक्षा में, उस चीज ने कायम रखो। जब आपस में लड़ोगे नहीं देश का नुकसान करेगा, सारे बोलेंगे जाट तो बावड़े हैं। उनसे एक बंदे ने बात ये कही उसने, मैंने गलत बोलिया उसने माफी मांगना चाहो, माफी मंगवाना चाहो,
पर उबार जाए छुप के बैठिया उन बेरा आ गया तोड़े ठोके तेने जाट वो पर नहीं रोला कणते देश की गाड़िया फूकन देखा था मुझसे बदला ले लोगे उसते खिला दोगे। वो एक आदमी उसने बात कह दी उसने गलती करी पछतावा आगे उसने आवागा माफी मांगेगा वो पर नहीं रोला कणते नहीं उन्हें बेरा जा रहा दूसरा बैठिया वो दूसरे देश में जाट आपस में लड़ेंगे कह दिन रोला होगा एक गुट नहीं उबला वो सही था एक गुट उबला गलत था आपस लड़ गए आपके कट मिट गए मड़ के बैठ जाएंगे आपकी किसका फायदा होया उसी का वो फिर आओगा फिर राज करेगा जब अक्ल ते काम लोगे तो बैठो उसकी बाट देखो कदी तो आओगा वो सरजी बैठन दे रहे बड़े आओ जब बात पूछ ली उसकी बाणी हो गए ये जैन हो लिए बाकी समाज देख लो नी कौन सा आपस में रोला कराए कोई नहीं सड़क पर रोला करता जाटा सिवा क्योंकि जाटा चाट सोच दे नहीं थोड़ा दिमाग यूज करो भाइयों नहीं तो चुल्लू बड़ा पानी मरने में और बात करने में कोई अतिशक्ति नहीं होगी मन में देश का एकजुट हो देश का साथ दो कोई सरकार आई है ढंगा काम करने आ रही है उसका साथ दो ना कि उसके खिलाफ जाओ राजनीति तो नहीं करते नहीं आज तक थाने देखा है किसी नेता का घर टूट गया या वो गरीब हो गया जिनसे नेता वोट मांगने को पद पगाया कर दे नहीं हंडा कर दे वोट दे दे जी वोट दे दो नेता मन दे उन्हें अगर फॉर्चुनर आ गई ओडी आ गई ये आ गई वो गांव में जो लोग राज्य अरे मार दो नेता दो तो ओडी सब वो लैंड क्रूजर लेके आ रहे हैं कटते हैं लैंड क्रूजर थारा पीछा थे उन्हें थार से लुटे है तो जागो किसी ने वोट देने से पहले सोचो किन देने ला रहे हो पीछा तो वोट ना दो किसी ने एक बोतल दर दे दी उसने वोट दे दिया अरे एक बोतल खातिर तुम अपना पूरा जिंदगी 5 साल देने ला रहे हो उसने 5 साल तक लुटेगा वो 100 रुपया खातर 1 साल तक 5 साल राज दे दिया भाइयों और केवल खाते में शायद जब कुछ समझदार हो तो कुछ समझोगे नहीं तो जयराम जी की कोई फायदा नहीं बोलने का जयराम। राम राम भाइयों, मैं राधेश्याम गुदारा रानी विक्रम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे आने का मकसद यही है कि आप लोगों ने ये जो काम शुरू किया है क्या यह काम करने लायक है। हमारे जाट भाइयों ने एक मैं भी जाट होने के नाते बोलना चाहता हूं कि जाट भाइयों ने जो शुरू किया है इससे क्या मिल रहा आप लोगों को। आरक्षण नाम ऐसा है आरक्षण लेने से क्या आप वो चीज मिल जाएगा आपको जो चाहते हो। जून से बाढ़ के जून से रोड़ा कण ला रहे हैं चीजें फूकन ला रहे हैं शहर में पूरे देश में हरियाणा में क्या मिल रहा किसते जो बाढ़ के कण ला रहे हैं क्या आरक्षण मिलने तो उन्हें जो मिल जाएगी कर लेंगे जो लायक है चीज के करने के। अब लोगों भाइयों से विनती है कि ये सब कण ला रहे हो ये सब फूकन ला रहे हो पूरे देश को नुकसान कर ला रहे हो किसका नुकसान है ये आपका मारा और जो लोग इस देश का खातर टैक्स देने ला रहे हैं जो नौकरी कर ला रहे हैं ये सारा पैसा उन्हीं के जो टैक्स मनी है उसी से भरा जाएगा। सब नुकसान देश का ही है थारा नुकसान है किसी नेता कोई नुकसान नहीं है ये सारे सब नेता क्रय कर सबकी राजनीति है बीजेपी और कांग्रेस ने बताने ला रही है इसके जिम्मेवार कांग्रेस बीजेपी निकलने ला रही है इन्हें लो ये सारे अपनी रोटी से कर ला रहे हैं किसी का कोई फायदा आज तक ना होया ना होगा किसी से सब आपस में लड़ ला रहे हैं जो हमारा देश है उसका क्या हाल उठाएगा। जो सोचो बाहर वाले देश है अंग्रेजा ने देश हमारे देश पर राज किया मुगलों ने राज किया क्यों राज किया क्यों उन्हें बेरा था सारे मूर्ख बैठे हैं भारत में आपस में लड़ा देने जीत जाएंगे अंग्रेजा के बेरा ने उसका क्या नाम था उसने बात कही थी कि जाट जितना मुश्किल है इस देश में जो तो जाट है इस देश को राज करना मुश्किल है मुश्किल के नामुमकिन है और उनका एक ही तरीका था राज करने का उन्हें बोला जाट लड़ा दो इस देश पर आराम से बैठे राज करो किसी दिन जाट एक नहीं होंगे जो मर्जी करे देश का। किसी ने कभी ने बोली थी बात कि हमारा देश ने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं कराया किसी पर हमला नहीं कराया हमला कड़े करेंगे जोर वक्त हमला करेंगे नहीं पहले आपस की लड़ाई सुलटाएंगे तब हमला करेंगे। भाइयों अनेकता में एकता नाम की एक चीज बोली थी किसी ने एक हो जब इस देश का भला होगा
हमारे पहले प्रधानमंत्री आया करते लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। तने मतलब मेरा भी इसका मतलब की है, जवान और किसान एक ऐसी दो चीज हैं जो इस देश का आधार थे, हैं और रहेंगे। आज चीजें बदल गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, मानना उस बात ने, पर किसान है जो अन्न पे दगर है, उसने हम रोटी खावा पीछे खा के जी नहीं सकते आप। और एक जवान है जो हमारे देश की रक्षा करे, जो जवान नहीं होगा तो थारे घर हो गए, ये हो गए, दूसरा देश आक्रमण करेगा, घर में छिप के बैठ जाओगे, बाहर नहीं आओगे, तो पता नहीं घर में भीतर घुस घुस के मारेंगे। तो हम लड़ सको उनसे, कौन लड़ेगा? एक जवान अर्जुन सर एक भाई मारा गया है इस पुलिस फायरिंग में, उन्हें शहीद बोलना चाहो, शहीद कौन हुआ? शहीद सिर्फ एक चीज को मिलता है, जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है वो शहीद कहलाता है। अर्जुन सर बालक मरे, वो देश की रक्षा करा था, नुकसान करा था देश की। वो अर्जुन से JNU में रोड़ा करे उन्होंने, अफजल गुरु हो गए जो जिन्होंने थे, मैं इन्हीं ने कहते मुसलमान गलत हैं, पर जो कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहे, उन्हें इस देश से निकाल के बाहर करो, पहचानो उन लोगों को। और भाइयों कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके कहने दे सारा रोड़ा होने ला रहे हैं, और कुछ बालक जो सिर्फ स्वाद लेने खतरा ला रहे हैं, गाड़ियां फूकन ला रहे हैं, किसी के घर तोड़न ला रहे हैं, किसी के घर का सीधा शीशा सुनने ला गया, अरे घर तो बड़ा सुथरा है तोड़ देने, सारे स्वाद लेने ला रहे हैं। अरे तुम अपना नुकसान करने ला रहे हो, जागो, कुछ सोचो इस बात ने, वो केवल उतारते में जे किसी मक्कल है कुछ सोचेगा मेरा भाई, तो प्लीज सोचो। अजय इतना भी नहीं सोच सकते तो थार में चार फिर जानवर में क्या फर्क रह गया है? जोड़ तो भाई अंडा तो उसमें गणा हुआ, हाथी में भी, पर कीड़े उन्हें मार दे, इस अंग का क्या फायदा? इस जोर ने यूज करो, डंकी जगह चढ़ यूज करना चाहिए, देश की रक्षा खतर यूज करो। मन बेरा है जाटा की, जाट रेजिमेंट है, एक बहुत अहम योगदान है उसका देश की रक्षा में, उस चीज ने कायम रखो। जब आपस में लड़ोगे नहीं, देश का नुकसान करे, सारे बोलेंगे जाट तो बावड़े हैं। उनसे एक बंदे ने बात ही कही, उसने मैंने गलत बोलिया, उसने तम उससे माफी मांगना चाहो, माफी मंगवाना चाहो, पर वो बाहर जाए छुप के बैठिया, उन्हें बेरा है आगे थोड़ा ठोके तेने जाट वो, पर नहीं रोला करते हैं देश की गाड़िया फूकन देखा था, उससे बदला ले लोगे, उससे खिला दोगे। वो एक आदमी उसने बात कह दी उसने गलती करी, पछतावा होगा उसने, आवागा माफी मांगेगा वो, पर नहीं रोला करते नहीं, उन्हें बेरा जा रहा दूसरा बैठ गया वो दूसरे देश में, जाट आपस में लड़ेंगे, कह दिन रोला होगा, एक गुट नहीं बोला वो सही था, एक गुट बोला गलत था, आपस लड़ गए, आपके कट मिट गए, मर गए, बैठ जाएंगे आपकी, किसका फायदा होया? उसी का, वो फिर आओगा फिर राज करेगा। जब अकल ते काम लोगे तो बैठो उसकी बाट देखो, कदी तो आओगा वो, सारी जिंदगी बैठने दे रहे बड़े, आओ जब बात पूछ ली उससे, बाणी हो गए ये जैन हो लिए, बाकी समाज देख लो नी, कौन सा आपस में रोला कराए? कोई नहीं सड़क पर रोला करता जाटांग सिवा, क्योंकि जाटांग चाट सोचते नहीं, थोड़ा दिमाग यूज करो भाइयों, नहीं तो चुल्लू बड़ा पानी मरने में और बात करने में कोई अतिशक्ति नहीं होगी। मन देश का एकजुट हो, देश का साथ दो, कोई सरकार आ रही है ढंगा काम करने आ रही है उसका साथ दो, ना कि उसके खिलाफ जाओ, राजनीति तो नहीं कर देने। आज तक थाने देखे किसी नेता का घर टूट गया या वो गरीब हो गया, जिनसे नेता वोट मांगने को पद पगाया कर दे, नहीं हंडाया कर दे, वोट दे दो जी वोट दे दो, नेता मन दे उन्हें अगर फॉर्चुनर आ गई, ओडी आ गई, ये आ गई, अरे वो गांव में जो लोग राज्य, अरे हमारे द्वारा नेता द्वारा तो ओडी सब है, वो लैंड क्रूजर लेके आ रहे हैं, कटते हैं लैंड क्रूजर थारा पीछा थे, उन्हें थारते लुटे है, तो जागो, किसी ने वोट देने से पहले सोचो फिर देने ला रहे हो, पीछा का वोट ना दो, किसी ने एक बोतल दर दे दी उसने वोट दे दिया, अरे एक बोतल खातिर तुम अपना पूरा जिंदगी 5 साल देने ला रहे हो, उसने 5 साल तक लुटेगा वो, 100 रुपया खातर 1 साल से 5 साल राज दे दिया भाइयों, और केवल खाते में शायद जब खुद समझदार हो तो कुछ समझोगे, नहीं तो जयराम जी की कोई फायदा नहीं बोलने का। जयराम।